بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته मैं हूँ मोहम्मद राहत। कल हमने क्या पढ़ा था? दिस और डैड के बारे में। दिस का इस्तेमाल किस लिए होता है? जब कोई चीज करीब हो उसके लिए। जब कोई करीब चीज हो उसकी तरफ इशारा करने को दिस का इस्तेमाल करते हैं। और डैड का इस्तेमाल? जब कोई चीज दूर हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए डैड प्रयोग। ठीक है, कोई चीज करीब है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए दिस का इस्तेमाल, और कोई चीज दूर है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए किसका डैड। आप पढ़ेंगे दिस और दूस के बारे में। कोई चीज अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से अधिक है, एक से जायद है और वो करीब है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं काय का? क्या? कोई चीज करीब है और एक से अधिक है, एक से जायद है तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? दीज। और अगर कोई चीज एक से जायद है और वो दूर है, दूर है तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दोस। दोस नहीं, दूस। 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 अगर कोई चीज दूर है, एक है तो उसकी तरफ इशारा करेंगे डैड, और अगर एक से जायद है तो उसकी तरफ इशारा करेंगे दूस से। ठीक है, अब दीज और दूस देखो। दीज करीब कोई चीज है उनकी तरफ इशारा करने के लिए दीज का इस्तेमाल होता है, और दूर कोई चीज हो उनकी तरफ इशारा करने के लिए दूस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जमा वाहिद है तो डैड का दूस का इस्तेमाल करते हैं, और जमा करीब है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए दीज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हमने पीछे बनाए थे दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन। जैसे हमने पीछे पढ़ा था दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन ये है, तो इनका इस्तेमाल हम करेंगे। दिस का कर देंगे क्या? दिस। क्या कर देंगे? दिस। इसका? दिस। इसका कर देंगे आर। आर। दीज आर फैन के आगे लगा देंगे हम एस या फिर ईएस। दीज आर फैंस, दीज आर फैंस, दीज आर फैंस, दीज आर फैंस, और इसी तरीके से ये बहुत सारे पेन हैं, दीज आर पेन्स, किताबें हैं, दीज आर बुक्स, और कॉपी हैं, दीज आर नॉट बुक्स, नॉट बुक्स, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, दीज आर कंप्यूटर्स, और बहुत सारे पंखे हैं, दीज आर फैंस, बहुत सारे टेबल हैं, दीज आर टेबल्स, बहुत सारी कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स, और बहुत सारी घड़ियां हैं, दीज आर वॉच। ठीक है, दो बहुत सारे बोर्ड हैं, दीज आर वॉल्स, बहुत सारी दीवार हैं, दीज आर वॉल्स, बहुत सारे बेड हैं, दीज आर बेड, बॉल हैं, दीज आर बॉल, बैट हैं, दीज आर बैट, बोल बोलो ना सर, बोलो, बहुत सारी बॉल हैं, दीज आर बॉल, बहुत सारे बैट हैं, दीज आर बैट, बहुत सारे दरवाजे हैं, दीज आर डोर्स, डोर्स, दीज आर डोर्स, दीज आर डोर्स, बहुत सारी खिड़कियां हैं, दीज आर विंडोज। ये थे, अगर एक से ज्यादा कोई चीज करीब है तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए हमने दीज का इस्तेमाल करा था, और हमने करा था अगर कोई चीज दूर है तो उसकी तरफ हमने क्या करता है? दैट इज अ पेन, ये वो एक पेन है, दैट इज अ पेन, वो एक पेन, वो एक पेन, जोर से बोला करो, वो एक पेन है, और कहने लगे वो बहुत सारे पेन हैं, तो हम कहेंगे दैट का कर देंगे क्या? दूर। दूस आर पेन्स, दूस आर पेन्स, वो बहुत सारे पेन्स हैं, वो बहुत सारे पेन्स हैं, वो बहुत सारे पेन्स हैं, तो वो बहुत सारे पेन हैं, दूस आर पेन्स, वो बहुत सारी कॉपियां हैं, दूस आर नोटबुक्स, वो बहुत सारी किताबें हैं, दूस आर बुक्स,
सारे बोर्ड हैं, दूस आर बोर्ड, वो बहुत सारी बस हैं, दूस आर बसेस, दूस आर बसेस, दूस आर बसेस, बहुत सारे कप हैं, दूस आर कप्स, बहुत सारे टेबल हैं, दूस आर टेबल, बहुत सारे दरवाजे हैं, दूस आर डोर्स, बहुत सारे दरवाजे हैं, दूस आर डोर्स, बहुत सारी बिल्लियां हैं, दूस आर कैट्स, बहुत सारी बिल्लियां हैं, दूस आर कैट्स, बहुत सारे कुत्ते हैं, दूस आर डॉग्स, बहुत सारी चिड़ियां हैं, दूस आर बर्ड्स, बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी हैं, दूस आर बर्ड्स, चलो बहुत सारे जानवर हैं, दूस आर एनिमल्स, 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 हाँ बहुत सारे आदमी हैं, Men's. एक साथ बहुत सारे आदमी हैं, दूस आर मेंस, बहुत सारी औरत हैं, दूस आर वुमेन्स, बहुत सारी औरत हैं, दूस आर वुमेन्स, बहुत सारी साइकिल हैं, दूस आर साइकिल, बहुत सारी बाईसाइकिल हैं, दूस आर बाईसाइकिल, बहुत सारी कार हैं, दूस आर कार्स, बहुत सारे पेन हैं, दूस आर कार्स, बहुत सारी चमगादड़ हैं, दूस आर बहुत सारी चमगादड़ हैं, बहुत सारी थपकियां हैं, बहुत सारी थपकियां हैं, पैट्स, थपकी की क्या है, हाँ बहुत सारी थपकियां हैं, और अब कहने लगे ये बहुत सारी थपकियां हैं, दीज आर, ये बहुत सारी थपके हैं, दीज आर पैट्स, ये बहुत सारे पंखे हैं, दीज आर फैन, ये बहुत सारे पंखे हैं, दीज आर फैन, समझ गए क्या करना है, जब यहाँ से जाओगे उसके बाद तुम्हें इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मशक करनी है, कोई भी चीज दिखे पहले अगर वो एक है, दिस इज अ मैन, दीज आर मैन, दिस इज अ मैन, दीज आर मैन, दैट इज अ मैन, दैट इज, दैट आर मैन, दैट आर मैन, दिस इज अ वुमेन, दीज आर वुमेन, दिस इज अ गर्ल, दीज आर गर्ल्स, This is a girl, these are girls. That is a girl or those are girls. Those are girls. इस पे ही ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, मस्त करनी है, तुम्हारा हो गया कल का सबक, ठीक है करोगे? अब बताओ these और those का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ओ जब कोई चीज एक सा नेक हो उसकी तरफ इशारा करने को those का इस्तेमाल करते हैं, करीब हो, करीब हो, जब कोई चीज एक से जाहिर हो और करीब हो उनकी तरफ इशारा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, दीज का, किसका, दीज, और कोई चीज एक से जाहिर हो तो उनकी तरफ इशारा और दूर हो तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, समझ गए, जिसका इस्तेमाल करते हैं, एक चीज है करीब है तो दीज, और अगर एक से अनेक है तो दीज, दीज, एक चीज है करीब है तो दीज, और एक से अनेक है तो दीज, ये एक आदमी है, दिस इज अ मैन, ये पैर है, दिस इज अ मैन, ये एक पंखा है, दिस इज अ फैन, ये बहुत सारे पंखे हैं, दिस आर फैन, ये बहुत सारे आदमी हैं, दिस आर मैन, मैन, ये एक औरत है, दिस इज अ वुमन, हाँ ये एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल, हाँ गर्ल, गर्ल, ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, हाँ ये एक लड़की है, This is a girl. ये एक लड़की है. This is a girl. ये एक लड़की है. This is a girl. ये एक लड़का है. This is a boy. ये एक लड़की है. This is a girl. ये एक लड़का है. This is a boy. हाँ. ये एक लड़की है. ये एक घड़ी है. This is a watch. हाँ. बस ठीक है. इनके ऊपर कल को मश्क कर कर लानी है, मिलते हैं अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।